Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am your Excel trainer. I am giving you Excel class, so let's start. तो हमने अपना Excel ओपन कर लिया है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट अटेंडेंस शीट विद चेकबॉक्स। तो मैंने अटेंडेंस शीट रेडी कर लिया है, जैसे यहाँ पर नेम और मैंने अपने स्टूडेंट नेम ले लिए हैं और यहाँ पर हम निकालेंगे अटेंडेंस रिजल्ट, जिसमें प्रेजेंट, टोटल डेज और एब्सेंट हम फाइंड करेंगे विद चेकबॉक्स। तो चलिए करते हैं। चेकबॉक्स के लिए हमें डेवलपर टैब पर जाना होगा और यहाँ पर इंसर्ट आता है, जिस पर क्लिक करके यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास चेकबॉक्स का। अगर किसी के एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं है तो वो किस तरीके से ओपन करेंगे मैं वो बता देती हूँ। फाइल टैब पर जाएंगे, मोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मेन टैब्स में से डेवलपर टैब डिसेबल होगा उसको इनेबल करना है और यहाँ से ओके कर देंगे, जिससे कि हमारा जो डेवलपर टैब है वो आ जाएगा। तो यहाँ से इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, चेकबॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो ये लिखा है उस पर क्लिक करके हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे और हटा देंगे, और राइट क्लिक किया हमने और इसको एडजस्ट कर लिया पूरे सेल में। अब मुझे क्या करना है, इसी चेकबॉक्स को सारे सेल्स में लेके आना है। तो इस सेल पे क्लिक किया मैंने और इसको ड्रैग कर दिया और यहीं से हम नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनसे चेक हटा देते हैं, इन पे राइट चेकबॉक्स पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल पर गए और यहाँ पर ये अनचेक्ड है और यहाँ से हमें सेल लिंक देना है। सेल लिंक पर क्लिक किया और जिस सेल में हमने अपना चेकबॉक्स बनाया है हम उसी सेल को क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अगर मैं इस सेल को यहाँ से ड्रैग करती तो जो मैंने इस सेल में लिंक लगाया है वो इस सेल में भी अप्लाई हो जाएगा, जिससे कि मैं इसको चेक करूँगी तो ये भी चेक हो जाएगा और इसको अनचेक करूँगी ये भी अनचेक हो जाएगा। इसी के लिए हमने समय अलग अलग सेल लिंक देना पड़ेगा। अब मैंने इस सेल पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल पर गई और यहाँ से ये सेल लिंक फर्स्ट वाले सेल का है तो मैं इसको हटाकर इसका सेल लिंक दे देती हूँ और यहाँ से ओके किया। इस पर भी राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल पर गए, सेल लिंक पर क्लिक किया और यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। सेम इस पर राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक पर क्लिक किया और इसका भी सेल लिंक वही रहेगा, ओके किया। यहाँ से दोबारा से राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक और इस पर क्लिक किया सेल पे और यहाँ से ओके। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक और यहाँ से सेल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। सेम हमें जितने भी यहाँ पर हमने चेकबॉक्स बनाए हैं उन पर हमें सेल लिंक देना पड़ेगा। तो मैं अपने सारे चेकबॉक्स पर सेल लिंक दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने सारे चेक बॉक्सेस में सेल लिंक लगा दिया है।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर मैं यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पर अपने चेकबॉक्स को चेक किया और यहाँ पर भी इस पर भी क्लिक किया, तो बैक में जो है ट्रू और फॉल्स आता है। अगर मैं यहाँ से अनचेक कर दूँगी तो फॉल्स आएगा, और अगर चेक किया तो ट्रू। तो मेरे को क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट करके इसका जो फॉन्ट है वो वाइट कर देना है, जिससे कि ये जो है ट्रू और फॉल्स वो ना शो करे। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ से प्रेजेंट। तो यहाँ से एक दो हम स्टूडेंट को चेक कर देते हैं, प्रेजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अगर ये ट्रू है तो ये बच्चे जो हैं प्रेजेंट हो। कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, 10। और जो हमारे पास टोटल डेज है उसके लिए क्या करना है, इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन। अब हम इन डेज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे 1, 2, 3 10 डेज है हमारे पास वैसे, तो ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, तो हमारे पास टोटल डेज कितने हैं, 10। जैसे जो प्रेजेंट है मैं इसको ड्रैग करती हूँ, यहाँ से मैंने ड्रैग किया तो ये 4 डेज जो प्रेजेंट है अपने आप जो हमारी वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। अब एब्सेंट कैसे निकलता है, इक्वल टोटल डेज में से हम माइनस करेंगे प्रेजेंट को और एंटर, और यहाँ से 2 डेज ये एब्सेंट है। अगर मैं और हटाती हूँ तो ये जितने दिन प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, टोटल डेज 10 है और एब्सेंट कितने डेज है, 4 डेज। ऐसे ही हम दोबारा से टोटल डेज निकाल लेते हैं, इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन, सारे डेज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, और यहाँ से हम एब्सेंट को ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद हमें टोटल डेज निकालना है, इक्वल काउंट ए दोबारा से डेज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन, डेज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, काउंट ए ब्रैकेट ओपन, डेज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन, सबको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब हम यहाँ से जैसे ही रजत है, इसको फर्स्ट डे वो प्रेजेंट था, सेकंड डे भी, थर्ड डे भी, और यहाँ से 4 डे वो एब्सेंट है, और यहाँ से 5th डे वो प्रेजेंट रहा, 6th डे को भी प्रेजेंट था, 7 को भी था, 8 और 9 को नहीं था, और 10 को भी था। उसके हिसाब से ये जो 3 दिन एब्सेंट है टोटल डेज वो 10 है, और 7 डेज ये प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट अटेंडेंस शीट विद चेकबॉक्स समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।